झारखंड की राजनीति में हाल ही में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जो आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित नेता लोबिन हेम्ब्रम और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोबिन हेम्ब्रम, जो झारखंड के आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं, इस साल की शुरुआत में जेएमएम से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उनके निष्कासन का मुख्य कारण लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ बगावत करना और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना था। इसके चलते उनकी विधायकी भी चली गई थी। अब उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई है। बीजेपी में उनका स्वागत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि लोबिन हेम्ब्रम का बीजेपी परिवार में हार्दिक स्वागत है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, सीता सोरेन और चंपई सोरेन भी मौजूद थे। ये दिखाता है कि बीजेपी ने झारखंड के आदिवासी समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। लोबिन हेम्ब्रम का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा रही है, खासकर झारखंड में, जहां आदिवासी वोट बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी इस अवसर पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मधु कोड़ा की राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि उनकी पत्नी गीता कोड़ा ने पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब मधु कोड़ा का बीजेपी में शामिल होना झारखंड की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। इस साल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और अब लोबिन हेम्ब्रम जैसे महत्वपूर्ण नेता जेएमएम से नाता तोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन गए। ये घटनाक्रम संकेत देता है कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और आने वाले लोकसभा चुनावों में ये बदलाव किस दिशा में जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। झारखंड की राजनीति में ये घटनाक्रम केवल बीजेपी के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या बीजेपी की ये रणनीति आगामी चुनावों में रंग लाएगी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने टूटते किलों को संभाल पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये बदलाव झारखंड के आदिवासी समुदाय के लिए कोई नई दिशा देंगे? ये सवाल आने वाले समय में राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे बन सकते हैं। क्या बीजेपी की ये रणनीति झारखंड में कामयाब होगी? क्या लोबिन हेम्ब्रम और मधु कोड़ा का बीजेपी में शामिल होना राज्य की राजनीति को नया मोड़ देगा? NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।